ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 12 नवंबर 2021 शुक्रवार का दिन है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन गोपाष्टमी का महापर्व रहेगा, तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोपाष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धनिष्ठा नामक नक्षत्र होगा तथा मकर एवं कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। सुबह 7:52 से पहले पहले मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही अथवा जौ खा करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। पंचक जो कि सुबह 7:52 से आरंभ हो जाएंगे, पंचक 5 दिन तक लगातार रहेंगे। राहु काल जो कि सुबह 10:30 से शुरू होकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि तुला राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह तुला राशि में, बुध ग्रह तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र ग्रह धनु राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु, ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस समय आपकी सकारात्मक रवैया के कारण कई प्रकार की उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। समय का भरपूर सदुपयोग करें। रिश्तेदारों तथा संबंधियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी। प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई कार्य यदि रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटें समाप्त हो जाएगी। भाइयों तथा मित्रों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। राजनीतिक संपर्क आपके लिए कुछ शुभ अवसर भी प्रदान करेंगे। नए वाहन के खरीदने संबंधी योजना बनेगी। यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए और उपाय के रूप में यदि आप छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके दिनचर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी मानसिक व शारीरिक थकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है, लेकिन कोई भी कार्य भावुकतावश बिल्कुल न करें। बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्येक कार्य करना चाहिए और उपाय के रूप में गणेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्च पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा नई उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले संबंधित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें। जरा सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर के बदलाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाएं तैयार होगी। इन योजनाओं को कार्य रूप देने में आपको जो है अधिक समय व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना अति आवश्यक होगा। किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। नया व्यापार, नई नौकरी या नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। जो काम आप शुरू करेंगे वह आगे चल करके आपको अच्छा फायदा देगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम आपके आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा, जैसे आपको बहुत जो है मानसिक शांति प्राप्त होगी। रिश्तेदारों के किसी विवादपूर्ण मामले में आपकी उपस्थिति निर्णायक रहेगी। आपकी बुद्धिमानी व सूझबूझ की तारीफ होगी। किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। छोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानि हो सकती है। बेहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप स्थगित कर दें। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर न करें। कोई इसका अनुचित फायदा उठा सकता है। उपाय के रूप में गाय को हरी सब्जी या हरी घास खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुने, जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूझबूझ तथा सोच विचार की क्षमता प्राप्त होगी। घर में कोई शुभ तथा मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी तथा रिश्तेदारों की आवाजाही आपके घर में बने रहेगी। आपकी लापरवाही की वजह से किसी नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। उपाय के रूप में चावल का दान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है। इस समय अपने लक्ष्य के प्रति आप पूर्ण रूप से एकाग्रचित तथा गंभीर रहे। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वाहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए स्थगित आपको करना चाहिए। और आर्थिक मामले अभी पूर्ववत रहेंगे। अनावश्यक खर्चों पर कटौती करें तथा धैर्य बना करके रखें। और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके रखना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप देवी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नारंगी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको शारीरिक तथा मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त संबंधी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्माण या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। घर में किसी व्यक्ति विशेष से आपका वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। ध्यान रखें, सावधानी आपको बरतना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानसिक शांति अनुभव होगी। और पढ़ाई के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे उनका हौसला और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आपको उपलब्धियां प्राप्त होगी। सौम्यता व आदर्श बना करके रखना अति आवश्यक है। आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां उत्पन्न होने से चिंता रहेगी, परंतु यह तात्कालिक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक ठाक और सामान्य हो जाएगा। कारोबार में आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा। यदि आप लगन तथा एकाग्रचित्त और मेहनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फायदा होगा। उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में आप समय व्यतीत करेंगे। इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी, पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा, ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाय के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।